लॉ एंड ऑर्डर पे ये लोग चुनौतियाँ देते हैं। गुंडे साले मंगा लेते थे, हम बाहरी आदमी हैं, हम ठेकेदारी कर रहे हैं, तमाम एक दो झंझटों को मैंने भी झेला है, सरेआम गुंडई हुआ करती थी उन सरकारों में, आज वो स्थिति नहीं है। विपक्ष का आरोप रहा है कि अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो जो आरक्षण रहा है SC ST का वो खत्म कर देगी, इस पर मोदी जी ने सफाई भी दी। आरोप करने के लिए अब संविधान, वो कह रहे हैं कि संविधान ही खत्म हो जाएगा, कि संविधान जिस संविधान के तहत देश आज़ाद होने के बाद चल रहा है उसको काहे कोई ख़त्म करेगा। प्रभात वर्मा जी को देखिए, उनके साथ वर्मा लोग हैं, इनको राम प्रताप जी को आप देख लीजिए, इनके साथ वर्मा जी लोग हैं, भाई वो भी विधायक हैं, वर्मा जाति के ही हैं, ये भी वर्मा जाति के ही हैं, तो इकट्ठा कहाँ से ये हो पाएंगे, ये केवल हवा पानी बना रहे हैं कि हाँ वर्मा इकट्ठा हो। क्या नाम सर? ओपी जायसवाल मेरा नाम है, ये हमारे वरिष्ठ लीडर हैं। क्या मुद्दा है इस बार इलेक्शन? नाम कुछ बचे नहीं, इतना डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र का और इस देश का, इस प्रदेश का, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जीरो हुआ करता था, अपराधियों की ऐसी तैसी सरकार ने कर दी, इस भाजपा गवर्नमेंट होने के नाते इतना बड़ा डेवलपमेंट और क्या हो सकता है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो चलो ठीक है, जमीनी ग्राउंड स्तर पे दिख रहा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इस बार। महंगाई है ये नहीं है, आप कुछ करेंगे नहीं तो आपके लिए महंगाई है। क्या महंगाई का अगर एग्जाम्पल देना होता है कांग्रेस को तो कहती है कि उनके शासन में जो है 400 रुपया गैस था, 1200 में मिल रहा है, बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा। तो अब उठाने के लिए हम कहाँ उनको कह सकते हैं कि मत उठाइए, उठाना उनका काम है। गैस की बात जहाँ तक है, जहाँ लाइन लगा करती थी उन सरकारों में हफ्तों लोगों को इंतजार करना पड़ता था गैस के लिए, आज घर घर अपने अपने पिकअपों पे ले जाके डोर टू डोर सप्लाई करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, गैस ले लीजिए, पेट्रोल टंकियाँ इतनी खुल गई हैं। डेवलपमेंट आखिर ये जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है वो इस सरकार ने दिया है, गैस है, पेट्रोल टंकी है, तो अब और क्या चाहिए। सड़कों का देखिए बिल्कुल चमक रही हैं, बिजली मैं समझता हूँ एक घर जहाँ है वहाँ भी बिजली पहुँच गई है, और क्या विकास चाहते हैं पब्लिक, और कौन सा विकास चाहती है। विपक्ष इस बार जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन जो है गोंडा लोकसभा का करा रहा है, खास करके अगर देखा जाए तो असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा, रहे हैं एक बार और बेनी बाबू के साथ, तो 1,35,000 वोट पर उनकी जीत हुई थी, तीन लोग लड़े हुए थे, तीनों लोगों का वोट आगे पीछे था, कोई 20 पे था, कोई 1 पे था, कोई 90 पे था, तो उस समय अगर सारे वर्मा भी साथ में थे तो चलिए ठीक है, और जो क्या नाम है वोट कटे हैं, जो इधर उधर बिखरे हैं उनकी वजह से हमारे सांसद जी हारे हैं, वरना वर्मा बिरादरी के नाते ही तो इलेक्शन जीता हारा नहीं जा सकता, और काफ़ी वर्मा लोगों में सुधार भी इधर आ गया है, पहले शुरुआत में थोड़ा सा पहले था कि हाँ वो वहाँ से आ रही हैं, वर्मा है, बेनी बाबू की नतनी है, तो इसका थोड़ा बहुत प्रभाव था, लेकिन वो प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मैं समझता हूँ परसों तक तो ख़त्म भी हो जाएगा। प्रभात वर्मा जी को देखिए, उनके साथ वर्मा लोग हैं, इनको राम प्रताप जी को आप देख लीजिए, इनके साथ वर्मा जी लोग हैं, भाई वो भी विधायक हैं, वर्मा जाति के ही हैं, ये भी वर्मा जाति के ही हैं, तो इकट्ठा कहाँ से ये हो पाएंगे, ये केवल हवा पानी बना रहे हैं कि हाँ वर्मा इकट्ठा हो गए। अच्छा, PDA ऐसा डाल पाएगा इलेक्शन? कुछ नहीं, इसमें नहीं है PDA, सारी जातियाँ मतलब जैसे मुख्य रूप से आप वर्मा लोगों को ले लीजिए तो उनका 3 गुना जो है PDA में, हम समझते हैं यहाँ 14-15 जातियाँ होंगी यहाँ पे, जो 90% वोट कर रही हैं BJP को, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, विपक्ष का आरोप रहा है कि अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो जो आरक्षण रहा है SC ST का वो खत्म कर देगी, इस पर मोदी जी ने सफाई भी दी। आरोप करने के लिए अब संविधान, वो कह रहे हैं कि संविधान ही खत्म हो जाएगा, कि संविधान जिस संविधान के तहत देश आज़ाद होने के बाद चल रहा है उसको काहे कोई खत्म करेगा, भाई उनके पास और कोई संविधान के अलावा। लॉ एंड ऑर्डर पे ये लोग चुनौतियाँ देते हैं, गुंडे साले मंगा लेते थे, हम बाहरी आदमी हैं, हम ठेकेदारी कर रहे हैं, तमाम एक दो
झंझटों को मैंने भी झेला है, सरेआम गुंडई हुआ करती थी उन सरकारों में, आज वो स्थिति नहीं है। आज ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। क्या नाम सर? बबलू चौबे। कहाँ रहते हैं बबलू? यहीं रेहरा बाजार। अच्छा, क्या माहौल है इलेक्शन? माहौल सब ठीक ठीक है। मुद्दा क्या है, क्यों वोट करने जाएंगे इस बार? वोट तो अब मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या मुद्दा है? मुद्दा है विपक्ष वालों के पास तो तमाम मुद्दा है। अरे विपक्ष वाले ऐसे चिल्लाते रहेंगे, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। किसको बनाएं फिर? प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। क्यों बन रहे हैं मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री? इन्हें काम किया है। अच्छा, काम क्या किया? बहुत से काम किया जो 70 सालों में काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखा दिया। कोई दो चार काम बताएंगे मोदी जी का जो लोग देखें? सीमाएं देख लीजिए, तमाम आतंकी घटनाएं होती थी वो सब नहीं हो रही हैं। तमाम काम मोदी जी ने किया है।